Hey guys, welcome back to my channel Elite Looks. मेरा नाम है नौशीन एंड गाइज वैलेंटाइंस डे आ रहा है. मतलब 7 से 14 तारीख तक वैलेंटाइन का सिलसिला शुरू हो जाता है. रोज डे, चॉकलेट डे, हग डे और मैं भूल गई क्योंकि गूगल करना पड़ लेता है यार. गूगल पे तो सब कुछ डे बाय डे है. बट 14th February वैलेंटाइन डे, उस दिन तो आप को अपने लव वंस के लिए गिफ्ट ज़रूर लेना चाहिए. बट गिफ्ट लेते समय सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि गिफ्ट में दें क्या, क्या चीज़ ऐसा दें जो पसंद आएगा. एंड कुछ लोग वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज भी करते हैं. सो गाइज, उसी सब को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है कि आप अपने लव वंस को क्या गिफ्ट दे सकते हो एंड कुछ गिफ्टिंग आइडियाज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियोज़ में, जो कि आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा. सो चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, उनके लिए ये काम आने वाली है. आप सोच रहे हो कि गिफ्टिंग गर्ल्स है तो गर्ल्स क्यों देंगी? अरे भाई, आप अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हो. तुम क्या गिफ्ट दे सकते हो बॉयफ्रेंड को, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी. बट पहले जान लेते हैं कि बॉयज़ अपनी गर्ल्स को क्या गिफ्ट दे सकते हैं. या फिर वैलेंटाइन डे पे अगर आप सिंगल हो तो डोंट बी सैड यार, आप अपने लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद सकते हो. एंड सोचा कि आपका वैलेंटाइन गिफ्ट है, जो कि मैं भी करती हूँ, अपने लिए खुद के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ और फिर सोचती हूँ कि दिस इज़ माय वैलेंटाइन गिफ्ट. ओके, ज़रूरी नहीं है कोई आपको दे. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आप खुद को भी गिफ्ट दे सकते हो. या फिर आप अपनी सिस्टर, अपने मदर को भी वैलेंटाइन गिफ्ट दे सकते हो, वो भी तो आपके लव वंस है ना. तो वैलेंटाइन डे पे ऐसा जेंडर का कोई वो नहीं होना चाहिए. ओके, तो चलो बहुत हो गई बातें, मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या गिफ्ट कर सकते हो. सो सबसे फर्स्ट है ज्वेलरी ऑप्शन, जो कि मैं इस वीडियो में कुछ आपको ज्वेलरी ऑप्शंस भी दिखाने वाली हूँ. सबसे पहले ज्वेलरी की बात करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी ना बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है एंड उससे एक अलग ही लगाव होता है. आप किसी को कोई काम की चीज़ दे देते हो, बैग, पर्स, वॉचेस, तो वो तो अच्छी बात है. बट अगर आप किसी गर्ल को एक ज्वेलरी गिफ्ट करते हो ना, तो सीरियसली उसका तो दिल पिघल ही जाता है वहीं पर. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मान लो. ठीक है, तो चलो सबसे फर्स्ट जो ज्वेलरी पीस है वो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से एंड वो है एक ब्रेसलेट. सबसे अच्छी अमेज़ॉन की बात यही है यार, पैकेजिंग देख रहे हो कितने अच्छे से होके आई है कि आपका ऐसा है, क्योंकि ज्वेलरी बहुत नाजुक होती है तो वो ख़राब ना हो, इसलिए पैकेजिंग देख लो, बबल रैप, कार्डबोर्ड बबल रैप एंड दिस. एंड ब्रेसलेट में सबसे पहले इसलिए क्योंकि इस ब्रेसलेट से जुड़ी मेरी बहुत सारी यादें, इस वाले नहीं मतलब ब्रेसलेट से जुड़ी. कभी फुर्सत में होगा तो मैं बताऊंगी स्टोरी, वो भी कुछ वैलेंटाइन टाइप की है. अगर आप चाहते हो वो स्टोरी सुनना तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बता दूंगी. तो सबसे पहले है दिस ज्वेलरी पीस. लुक एट दिस पीस यार, लुक्स सो ब्यूटिफुल. एंड ये रोज़ गोल्ड कलर की है एंड इसमें यहाँ पर इस तरह से हुक दिया हुआ है, इससे ओपन हो जाएगा. ओके, सो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इस तरह का कुछ पीस ले सकते हो एंड ये बहुत अच्छा लगता है यार, ट्रस्ट मी. लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है ना हाथों पे. सो यार, मुझे तो ये ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. एंड ये सारे प्रोडक्ट्स जो होगा मैं बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली बता रही हूँ, ठीक है. 200-300 किसी के ऐसे ऐसे प्राइस है, आपको स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगी सबकी प्राइस, तो आप चेक कर लेना. अब तक इन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. तो सबसे पहले दिस ब्रेसलेट, जो कि बटरफ्लाई रोज गोल्ड कलर का ये ब्रेसलेट है. नेक्स्ट जो ज्वेलरी पीस है वो है एक पेंडेंट सेट या नेकलेस सेट आप कह सकते हो. तो ये भी अगेन इसी तरह से बहुत अच्छे से पैकेज होके आया था एंड ये है गोल्ड कलर का पैकेज, आप देख सकते हो इस तरह से. चलो मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ. सो गाइस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कितना ही प्यारा कलर का ये सेट है एंड इस पे डिज़ाइन भी कितनी प्यारी बनी हुई है यार. दिस यू कैन सी कितना ही ज़्यादा प्यारा पीस है एंड बिल्कुल ही ये ऐसा हैवी वाला भी नहीं है एंड ये आप अच्छे से किसी को गिफ्ट कर सकते हो, प्लस खुद के लिए भी ले सकते हो. अगर आप कहीं पे ऐसे पार्टी वार्टी में जाना चाहते हो तो ये हर तरह के ड्रेस पे चल जाएगा, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन अटायर हो, हर अटायर पे ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है. एंड इसमें इसकी मैचिंग इयररिंग, अगेन एक ज्वेलरी सेट जो आप देख सकते हो कितने अच्छे से पैक होके आया है ना. एंड इसको आपको अलग से गिफ्ट रैपिंग करने में बहुत इजी होता है, जस्ट इसके ऊपर गिफ्ट रैप करके आप दे सकते हो. सो ये है एक डायमंड कलर का नेकलेस सेट, दिस अगेन बहुत अच्छे से बबल रैप होके आया है. सो आप देख सकते हो ये इस तरह से कुछ जो सेट है
एंड ये आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस, इंडियन ड्रेस, किसी भी ड्रेस पे इजीली वेयर कर सकते हो। एंड ये बहुत ही प्यारा सेट है, आप देख सकते हो। सो अगर आप अपनी बंदी को ये वाला गिफ्ट करोगे ना, तो वो तो सच में आपको वैलेंटाइन डे पे हाँ ही बोलेगी। कमेंट करके बताना वापस से कि आपने किसी को ये गिफ्ट करा एंड उसने क्या बोला। नेक्स्ट एंड लास्ट ज्वेलरी पीस है ये। सो ये मेरे दिल के बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इस टाइप का मुझे जितना भी नाजुक हो ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये है एक बटरफ्लाई पेंडेंट का, जो कि मैं जा रही हूँ अभी के अभी इसको वेयर करने। वाओ, लुक एट दिस यार, कितना ही प्यारा सेट है ना ये। सो गाइस, दिस इज नेक पीस, लेट मी वेयर। कोई होता यहाँ पे मेरे साथ जो मेरे को रोमांटिक वे में इसको पहना देता। वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैं कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही हूँ ना। एक तो यार इस तरह के पेंडेंट में ना बांधने में थोड़ा सा आओ टाइम लगता है। ये खास तौर से उन्हीं लोगों के बनाए हैं कि आप अपने गर्लफ्रेंड को ऐसे इम्प्रेस करो, बाल हटाओ, फिर उसके बाद पहनाओ। हो फाइनली आई हुक्ड इट एंड लेट मी शो यू क्लोजली। एंड लुक एट दिस, आई प्यारा एंड ब्यूटीफुल लग रहा है ना। कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके फौरन अभी के अभी बताओ। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सेटल्ड लग रहा है। नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को मेकअप का सामान दे सकते हो, जैसे कि मुझे भी मेकअप बहुत पसंद है। सो आप लिपस्टिक, आईलाइनर, मेकअप में आई शेडोज वगैरह एंड बहुत सारे अलग अलग मेकअप आइटम्स होते हैं, मेकअप किट पूरा बना के आप दे सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड को, वो भी उसको बहुत अच्छे से पसंद आने वाला है। एंड ड्रेसेस में मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप किसी को ड्रेस गिफ्ट करो, क्योंकि हर लड़की की अलग अलग ड्रेस चॉइस होती है, प्लस अलग अलग साइजेस होते हैं, तो मे बी आपको साइज इतने अच्छे से पता ना हो। बट ये ज्वेलरी आइटम, मेकअप आइटम आप आराम से गिफ्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी साइज़ का इशू नहीं होता है। ओके, सो ये बात तो रही कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट कर सकते हो, प्लस गर्ल्स आप अपने बॉयफ्रेंड्स को क्या गिफ्ट कर सकते हो। आप वॉलेट गिफ्ट कर सकते हो, परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा आइडिया है परफ्यूम गिफ्ट करना। प्लस आप उनको गिफ्ट कर सकते हो कुछ शोपीस टाइप का, जो कि उनके लिए मेमोरेबल रहेगा एंड आपके द्वारा दिया हुआ रहेगा, तो पक्का वो संभाल के जरूर रखने वाले हैं। प्लस अगर आपके बॉयफ्रेंड के बियर्ड्स हैं, तो आप कुछ बियर्ड के आइटम्स हैं या फिर स्किन केयर आइटम्स भी दे सकते हो। बट बॉयज़ ना इस मामले में बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, उनको ये स्किन केयर वाली चीज़ें दो, एक जगह जाके रख देते हैं, उसको कभी यूज़ ही नहीं करते, और फिर कहते हैं मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, मेरे को पिगमेंटेशन हो रही है। भैया जब यूज़ नहीं करोगे तो होगी ही ना, बट कौन समझाए उनको। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आप वॉलेट गिफ्ट कर दो। अगर वो टाई वगैरह पहनते हैं तो आप वो टाई वगैरह गिफ्ट कर सकते हो, या फिर परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं परफ्यूम रुमाल नहीं गिफ्ट करना चाहिए, पता नहीं क्यों, बट मैं तो ऐसा नहीं मानती। एंड परफ्यूम एक अच्छा रहता है कि जब भी वो उस परफ्यूम का यूज़ करेगा ना, तो उसको आपकी याद आएगी, स्मेल से आपका उसका रिश्ता जुड़ जाएगा। तो या गाइस, ये थी आज के कुछ वैलेंटाइन गिफ्ट आइडियाज़ के बारे में। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लस हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। वैलेंटाइन पे जाते जाते मुझे चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना, ठीक है, कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।